बेंगलुरु के मशहूर वकील एडवोकेट अनीस अली खान का इंतकाल हो गया है। अनीस अली खान फोर्टिस अस्पताल में आज इंतकाल कर गए हैं। एडवोकेट अनीस अली खान डीजे हल्ली और केजी हल्ली तशद्दुद के बाद गिरफ्तार हुए नौजवानों को रिहा कराने में इन्हें बेल दिलाने के बाद काफ़ी सुर्खियों में आ गए थे। एडवोकेट अनीस अली खान की तदफीन कल यानी इतवार को काजी अब्दुल साहब कब्रिस्तान में होगी। इनके नमाज जनाजा मोदी मस्जिद शिवाजी नगर में पढ़ी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारे अंदर, हमारे बीच, हमारे एडवोकेट अनीस अली खान साहब नहीं रहे। बहुत खिदमत उन्होंने कौम की है इस दौरान, चाहे डी जे ली के जे ली का मामला हो, चाहे ये फॉरेनर्स के मामले में हो, तबलीगी वालों के जो उनको लॉकडाउन के टाइम पे कोरोना की वजह से डाल दिया हो उस टाइम पे हो, चाहे बैटरनपुरा के अंदर स्कूल के गलाटे हो, चाहे पादरनपुरा के अंदर जो बीच में गलाटे हुए थे लॉकडाउन के टाइम पे उसमें हो, बहुत दिल से उन्होंने काम किया है। मैं उन्हें अच्छी तरह से करीब से जानता हूँ, शहर के लोग भी अच्छी तरह से करीब से जानते हैं कि उन्होंने कौम के हालात को देखकर, उनके दुख दर्द को देखकर बिल्कुल हमारे साथ हर कदम पे, मुसलमान हो या गैर हो, किसी के भी साथ हो, जब भी किसी के ऊपर जब भी हालात ऐसे आ जाते हैं तो उन्होंने दिल से काम किया है। और डी जी एल डी के जी एल डी के मामले में भी उन्होंने भी काम किया है, सेक्युलर एडवोकेट फ्रंट के साथ में, साथ साथ दूसरे वकीलों के साथ साथ उनका भी एक बहुत बड़ा, अनीस अली साहब खान साहब का भी एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, बेकसूरों को रिहाई करने में। तो आज मैं ये चाहता हूँ, उन लोगों की दुआ तो, सब लोगों की दुआ तो उनके साथ है, मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। और अफसोस रहेगा कि हम मुस्लिम एडवोकेट्स के अंदर एक बेहतरीन एडवोकेट आज हमारे बीच में नहीं रहे।